सीलिंग से राहत देने के लिए नए मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी हो गई है, जिससे दिल्ली के लाखों कारोबारियों को राहत तो मिली है, लेकिन कई सवाल अब भी बरकरार हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के कुछ प्रावधानों में संशोधन होने से राजधानी के लाखों कारोबारियों को सीलिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है और कहा जा रहा है कि जो बाजार 1962 से पहले विकसित हो गए थे, अब वहां भी दिल्ली के कारोबारी मिक्स्ड लैंड यूज की शर्तों के मुताबिक कमर्शियल गतिविधियां जारी रख सकेंगे। इन इलाकों में लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, कमला नगर आदि शामिल हैं। इससे लोकल शॉपिंग सेंटर्स, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की दुकानों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब शॉपिंग एरिया का फ्लोर एरिया रेशियो 180 से बढ़ाकर 350 किया गया है और अब दुकानों के ऊपर निर्माण भी नियम के खिलाफ नहीं होगा। हालांकि सदर बाजार और करोल बाग की दुकानों पर खतरा अभी भी कायम है। इसी तरह इस नोटिफिकेशन के बाद एग्रीकल्चर लैंड, लाल डोरा इलाके में बने गोदामों के सील होने का खतरा भी कम हो गया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होगी, जैसे गोदाम तक सीधी सड़क हो, सामान वाली गाड़ियां गोदाम के अंदर हो, उनमें खतरनाक सामान ना हो। नए संशोधन के हिसाब से आम लोगों के लिए चलती फिरती सड़क पर शराब की दुकानें, डिस्को, रेस्टोरेंट, पब या क्लब नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर इलाकों का हाल ऐसा ही है, तो अब इनका क्या होगा? माना जा रहा है कि ऐसे कारोबारी संस्थानों पर सीलिंग की तलवार जस की तस बनी रहेगी। नोटिफिकेशन से ये भी साफ हो गया है कि कन्वर्जन चार्ज सिर्फ 10 साल के लिए ही देना होगा। जो दुकानदार इस 10 साल का कन्वर्जन चार्ज पहले ही दे चुके हैं, उनकी दुकानें अब सील नहीं होंगी। इस नोटिफिकेशन में जितने संशोधन किए गए हैं, उन पर पहले आपत्तियां जताई गई थी, फिर जन सुनवाई के बाद डीडीए ने प्रस्ताव को हरी झंडी दी और अब केंद्र ने फाइल पर अंतिम मुहर लगा दी। अनमोल कुमार, को न्यूज़।